हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं विजय गुलिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये सीए इंटर का मेरे पास क्वेश्चन है जो दिसंबर 2023 में आया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में आया था, लास्ट अटैम्प्ट, मतलब दिसंबर 2023 में आया था, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत पहले आया था, नहीं, लास्ट अटेम्प्ट है। तो एक कंपनी हैज़ टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स मशीन, एक मशीन है जिसको उसने रिप्लेस करना है, विच हैज़ बिकम अनसर्विसेबल। इसका मतलब ये है कि जो पहले मशीन थी उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ना ही उसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, तो वो मशीन का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। अनसर्विसेबल वो मशीन हो गई है, स्क्रैप वैल्यू उसकी दी नहीं हुई है, और उससे हमें कुछ अर्निंग होने वाली है नहीं। क्लियर है? चलिए, द ऑप्शंस आर अवेलेबल प्रीमियम 12 इयर्स लाइफ, एक मशीन है जो प्रीमियम मशीन है जिसकी लाइफ है 12 इयर्स, और स्टैंडर्ड मशीन है जिसकी लाइफ है 6 इयर्स। क्लियर है? तो हमें कितने साल ऑपरेट करना है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमें 24 साल ऑपरेट करना है तो ये दो मशीन दो बार लगेंगी, 12 12, ये चार बार लगेंगी। तो मतलब कि बस इस मशीन की यूजफुल लाइफ दी है, और टोटल इसमें पूछा है कि 12 इयर्स के लिए चाहिए, और स्टैंडर्ड मशीन विल बी रिप्लेस्ड आफ्टर 6 इयर्स। अगर हम स्टैंडर्ड मशीन लेंगे तो सीधी सी बात है, अगर ये नहीं भी दिया होता तो हमें वो रिप्लेस करनी ही पड़ती, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मशीन है उसकी लाइफ 6 साल है और हमें कंपेयर करना है 12 साल के। तो कैपिटल बजटिंग में जब भी अनइक्वल लाइफ होती है मशीन्स की, तो हम उसको क्या करते हैं, अनइक्वल लाइफ अगर होती है तो उसको हम इस तरह से, जहाँ मल्टीपल में होता है, जैसे यहाँ पर 6 × 12 है तो हम इसको दो बार लेंगे, इसको एक बार लेंगे तो हो जाएगा। कई बार ये 7 और 8 होता है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 को 8 यानी 56 साल लेना पड़ेगा, और 8 को 7 यानी फिर भी 56 साल। 56 साल में ये दोनों की लाइफ बराबर होगी, 56 साल में हम ये 8 मशीन यूज कर चुके होंगे और ये 7 मशीन हो, तो वो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जब 2 और 1, 4 और 2, 5 और 5 3 में भी नहीं, 6 और 3, ऐसे में हम क्या करते हैं कि मशीन्स की लाइफ को बराबर यूज करके इसको डबल कर लेंगे, इसको सिंगल करेंगे, तो वो सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पर फिर से मैं अगर क्वेश्चन बताऊँ आपको, तो देखिए परचेज प्राइस दिया हुआ है दोनों मशीन का, प्रीमियम का भी और स्टैंडर्ड का भी, स्क्रैप वैल्यू दोनों मशीन की दी हुई है एट द एंड ऑफ लाइफ। क्लियर है? 12 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू 6 लाख हो जाएगी, और इसकी 6 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू 6 लाख हो जाएगी। क्लियर है? ओवरऑलिंग ड्यू आफ्टर 8 ईयर 4 ईयर, इसकी ओवरऑलिंग हमें करनी पड़ेगी 8 ईयर के बाद, और इसकी ओवरऑलिंग हमें करनी पड़ेगी 4 ईयर के बाद। क्लियर है? और ओवरऑलिंग कॉस्ट क्या आएगी, 8 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। इसके अलावा आप देख रहे हो एनुअल रिपेयरिंग एक्सपेंस, हर साल हमें इस मशीन को रिपेयर भी करना पड़ेगा, और जब हम इसको रिपेयर करेंगे तो जो प्रीमियम मशीन है उसको 4 लाख रुपए हर साल रिपेयर के लिए लगेगा, और 5 लाख 60 हज़ार रुपये स्टैंडर्ड मशीन के लिए लगेगा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है 14%। देखो, एक तो अभी अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली इसमें इनफ्लो नहीं दिया हुआ, तो क्या होता है कैपिटल बजटिंग में, या तो इनफ्लो आपका ज़्यादा हो वो बेटर होता है, या फिर नेट इनफ्लो ज़्यादा हो या प्लस में हो, प्लस में होगा तो वो फिजिबल है, और दोनों हैं प्लस में तो जो मोर प्लस है वो हम लेंगे, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू हम ज़्यादा लेंगे, या इनफ्लो ज़्यादा लेंगे, या आउटफ्लो कम लेंगे, हमारा कम से कम पैसा हो। तो इसमें कहीं पर भी इनफ्लो नहीं दिया हुआ है, सब आउटफ्लो दिया हुआ है, तो किस मशीन में हमारा आउटफ्लो लगेगा। हो सकता है इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी पर प्रोडक्ट है, पर यूनिट है, वो सेम बिकता है और सेम प्राइस पे बिकता है, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी सेम है, तो अर्निंग इक्वल होगी। अब अर्निंग इक्वल है तो उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इससे भी हमें मान लो 1 करोड़ मिलना है, उससे भी 1 करोड़ मिलना है, तो उसको कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? अब आउटफ्लो सिर्फ दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ आउटफ्लो को ही इस क्वेश्चन में कंपेयर करना है कि कहाँ किस मशीन का आउटफ्लो क्या है, किस मशीन का आउटफ्लो कम है। क्लियर है? तो चलिए, सारे आउटफ्लो तो हमें दिए हुए हैं। क्लियर है? और जब आउटफ्लो दिए हुए हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये सारे आउटफ्लो के हिसाब से कि किस में कम आउटफ्लो लगेगा। क्लियर है? अब देखिए, इसमें क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है, 14%, तो 14% हमारा डिस्काउंटेड फैक्टर होगा, और 14% के हिसाब से ही हमें यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, और दो चीज़ हमें लगती हैं, जहाँ पर
एनविटी लगती है वहां पे हमें पीवीआईएफ दिया हुआ है, और जहां पर प्रेजेंट वैल्यू लगती है वहां पर हमें पीवी फैक्टर दिया हुआ है, दोनों ही दिए हुए, यानी पीवी फैक्टर भी दिया हुआ है। पीवी फैक्टर इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल जैसे चार साल बाद इतना होगा, इतना डिस्काउंट करेंगे तो चार साल की प्रेजेंट वैल्यू ये है, छः साल की प्रेजेंट वैल्यू ये है, आठ साल की प्रेजेंट वैल्यू ये है, बारह साल की प्रेजेंट वैल्यू ये है, ऐसे करके। और पीवीआईएफ का मतलब होता है कि एक से छः साल, मतलब एक साल और दो साल और तीन साल और प्लस चार साल प्लस पाँच प्लस छः, छः के छः साल की पीवीआईएफ ये है। ये आपको शायद बताने की जरूरत ना हो क्योंकि आप यहाँ पे सुजेस्टेड पढ़ रहे हैं, तो सुजेस्टेड आंसर पढ़ रहे हैं जो लास्ट में जो क्वेश्चन आया था, तो इसका मतलब आपका कोर्स पूरा हो चुका है। तो ये छोटी छोटी बातें शायद आपको लगे कि आपने ऑलरेडी कवर किए होंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीवीआईएफ ये भी दिया हुआ है, और आउटफ्लो दिया हुआ है दोनों मशीन का, एक की लाइफ 12 साल है, एक की लाइफ 6 साल है, पुरानी मशीन को रिप्लेस कर रहा है, पुरानी मशीन से कुछ मिलने वाला है नहीं, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं, चलिए कंपेयर करेंगे। तो देखिए बड़ी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको विजिबिलिटी अच्छी आए इसके लिए मैं आपको ये वाला बोर्ड दिखाता हूँ। ये वाले बोर्ड में सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन और क्वेश्चन ये दोनों ही अगर मैं आपको दिखाता रहूँगा, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आइटम दिया हुआ है परचेज प्राइस, और परचेज प्राइस होता है टाइम जीरो, अगर उसकी पेमेंट तुरंत करनी है तो ये भी अभी पेमेंट किया है और ये भी अभी पेमेंट किया है, तो ये आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम जीरो यानी आज ही है, तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे तो हमने लिख लिया जी 40 लाख रुपए परचेज प्राइस लिख लिया प्रीमियम मशीन का, और 28 लाख रुपए हमने लिख लिया स्टैंडर्ड मशीन का, दोनों मशीन का परचेज प्राइस आज लिख लिया। लेकिन क्या है कि लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पे जो मशीन हमारी स्टैंडर्ड है वो 6 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, तो 6 साल के बाद फिर से हमें वो मशीन लेनी पड़ेगी, तो इस फिर से परचेज करनी पड़ेगी। तो जब हम फिर से परचेज करेंगे तो 28 लाख रुपए की जो मशीन दोबारा 6 साल के बाद परचेज करेंगे उसकी आज क्या वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ छठे ईयर के, टोटल 6 ईयर नहीं है, सिक्स्थ ईयर, तो उसका हमें ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ 0.4556, कहाँ दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है 0.456, 6 साल वाला, तो ये वाला हम ले लेंगे, ये हमने ले लिया 0.4556, तो इसके हिसाब से जब हम इसको डिस्काउंट करेंगे तो ये 28 लाख कन्वर्ट हो जाएगा 12,75,680 में, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे प्रीमियम मशीन का, हमारे पास प्रीमियम मशीन की हमारी क्या आ गई यहाँ पे, ये परचेज प्राइस आ गया, और ये परचेज प्राइस पहली मशीन का और ये परचेज प्राइस दूसरी मशीन का। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्योंकि दूसरी मशीन को हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा क्योंकि वो पैसा हम कब देंगे, 6 साल के बाद, तो उसका आज का जो प्रेजेंट वैल्यू है सिंपली आफ्टर डिस्काउंट पीवी एट 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो आपका डिस्काउंट फैक्टर भी 14% हो गया, तो ये आपका आ गया। तो फर्स्ट आइटम हमारा क्लियर हो गया कि परचेज प्राइस जो है वो हमने कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं हम सेकेंड आइटम पे, तो सेकेंड आइटम पे अगर हम चलेंगे तो उसके बाद दी हुई स्क्रैप वैल्यू देखिए इसकी तो 12 साल के बाद ही होने के, ये मशीन तो 12 साल चलेगी और ये मशीन चलेगी 6 साल, तो 6 साल बाद स्क्रैप वैल्यू आएगी, और दूसरी मशीन लेंगे तो दूसरी मशीन की स्क्रैप वैल्यू 12 साल के बाद आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्रैप वैल्यू को पहले तो देखेंगे, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू हेडिंग लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू, तो ये स्क्रैप वैल्यू में देखिए पहली मशीन की 6 लाख की तो 12 साल बाद क्या वैल्यू होगी, वो तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 12 साल का ऑलरेडी, क्लियर है। बेटर ये है कि आप क्वेश्चन पेपर को साथ लेके बैठो, जो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है पेपर उनके पास है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर क्वेश्चन पेपर लेके बैठेंगे तो आसान रहेगा, बट फिर भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको लिख ही दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर हम फिर से चलें तो प्रेजेंट वैल्यू क्या दी हुई है, 12 साल की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 0.2076 दी हुई है, तो 12 साल के बाद जो स्क्रैप वैल्यू होगी फर्स्ट मशीन की उसको हम क्या करेंगे 0.2076 पे डिस्काउंट कर लेंगे, और ये एक ऐसा अमाउंट है जो हमें मिलने वाला है, और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आउटफ्लो, तो आउटफ्लो सारा ही हम लिख रहे हैं, इनफ्लो क्या होगा लेस हो जाएगा, तो ये हमारा इनफ्लो है इसलिए इसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये हमें मिलने वाला है 12 साल बाद। और इसी तरह से अगर हम दूसरी मशीन की बात करें तो 6 साल बाद हमें ये 6 लाख मिल जाएंगे
और अगले 6 साल बाद यानी कि 12 साल बाद हमें ये मिल जाएंगे, तो ये 6 लाख तो मिलेंगे 12 साल के बाद, तो ये तो हो गया हमारा 0.2076 से डिस्काउंट होगा, क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर आप देखेंगे 6 साल का 0.4556 है, तो ये 20.76 है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, क्लियर है, ये है 20.76 और 12 साल का, और 6 साल का है 0.4556 ये वाला, क्लियर है। तो ये डिस्काउंट फैक्टर उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट है ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग का जो पार्ट है ओवरहॉलिंग कॉस्ट, ओवरहॉलिंग कॉस्ट पे मैं लास्ट में आता हूँ सबसे पहले, फिर मैं एनुअल रिपेयरिंग में आ जाता हूँ पहले, तो क्लियर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो आइटम ऑफ कॉस्ट या स्क्रैप वैल्यू जो दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, ये भी हमारा कवर हो गया और हमारा स्क्रैप वैल्यू भी कवर हो गया। अब हमें देखना है ओवरहॉलिंग कॉस्ट और एनुअल रिपेयर, एनुअल रिपेयर पे पहले चलते हैं, उसका रीज़न है क्योंकि उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ओवरहॉलिंग कॉस्ट में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। तो एनुअल रिपेयरिंग एक्सपेंसेस आपके 4 लाख और 5,60,000 है, तो इसमें हमारा PVIF लगेगा क्योंकि रिकरिंग है, एनुइटी है, एनुइटी के टाइप में हमारे पास कॉस्ट जा रही है, हर साल जा रही है। तो इसके दो मेथड हैं, लॉन्ग मेथड अगर आप करना चाहते हैं तो पहले साल कितना गया, दूसरे साल कितना गया, 14% के डिस्काउंट फैक्टर पर सबको जोड़ते जाएंगे, या फिर 1 से 6 साल का और 1 से 12 साल का दिया हुआ है, तो 1 से 12 साल का दिया हुआ है वो तो फर्स्ट मशीन का है, तो फर्स्ट मशीन में अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट मशीन की ओवरहॉलिंग कॉस्ट एनुअल रिपेयरिंग कॉस्ट 4 लाख रुपये है, तो 4 लाख रुपये 12 का आप PVIF लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 22,64,000, ये भी आ गया, क्लियर है। और इसी तरह से दूसरी मशीन का 5,60,000 है, तो 6 साल तक तो आपको ये मिलने वाला है, तो 6 साल से तो आप 3.8899 कर दो, इसको 12 से किया था, ये 6 साल में मिलेगा आपको अर्निंग। उसके बाद अगले 6 साल तक भी ये अर्निंग मिलेगी आपको, तो इसी से 5,60,000 को फिर से कर दो, ये भी 6 साल के लिए मिलेगा, पहले 6 साल फिर दूसरे 6 साल के लिए मिलेगा। अब जो दूसरा 6 साल के लिए मिलेगा वो 6 सालों का जो मिलेगा वो 6 साल के पहले साल से मिलना शुरू होगा, यानी कि 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो वो सारा ही प्रेजेंट वैल्यू करने से आपका 6th ईयर के एंड में निकलेगा, तो अब उसको भी आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये 6 का PV प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6 ईयर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास ये आ जाएगा, तो आपके पास ये भी सिंपल हो गया, तो ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आपने 3 आइटम ऑफ आउटफ्लो या स्क्रैप वैल्यू यानी कि इनफ्लो बना लिए हैं। अब मैं चलता हूँ ओवरहॉलिंग कॉस्ट पे। देखिए ओवरहॉलिंग कॉस्ट में अगर मैं बात करूँ तो ओवरहॉलिंग कॉस्ट में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो ये दिया हुआ है 8 लाख रुपये, ये दिया हुआ है 8वें साल और ये दिया हुआ है इस मशीन में 4th ईयर, तो अगर सीधे तौर पे हम देखें तो ये 8 साल बाद है, तो यानी कि 8वें साल ओवरहॉलिंग होगी और फिर अगले 4 साल ये मशीन चलती जाएगी, यानी कि पूरी लाइफ टाइम में फर्स्ट मशीन जो हमारे पास है उस मशीन में हमारे पास क्या होगा कि ये एक ही बार ओवरहॉलिंग होगा 8वें साल। लेकिन अगर हम दूसरे मशीन की बात करें तो 4 साल बाद ओवरहॉलिंग होगी और ये 12 साल इसकी लाइफ हो जाएगी, 6+6, तो जब 12 साल इसकी लाइफ हो जाएगी और 4 साल बाद होगी तो 4, 8 और 12 4th ईयर, 8th ईयर और 12th ईयर इसकी ओवरहॉलिंग होनी चाहिए, ऐसा लगता है स्पष्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर 4th, 8th और 12th, क्लियर है। तो अब देखिए अगर हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर भी लें, क्लियर है, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करता हूँ तो कैसे होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट तो हो गया, देखिए फर्स्ट मशीन के लिए तो हमने क्या किया ओवरहॉलिंग कॉस्ट एवरी ईयर लगा दी और डिस्काउंट फैक्टर 12 साल का कर दिया, और उसके बाद जो हमारी ओवरहॉलिंग कॉस्ट है फोर्थ ईयर के बाद खर्चा होगा उसको हमने 0.5921 से कर दिया, क्योंकि फोर्थ ईयर का आपको पता ही है फोर्थ ईयर का जो है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है 0.5921, क्लियर है। और उसके बाद 8th ईयर का जो फैक्टर है वो 0.3506, उस पर भी हम कर देंगे मान लो, ठीक है, मान के चलते हैं, तो ये वाला भी हम क्या है कर देते हैं, और ये कर देते हैं 8 साल का और ये कर देते हैं 12 साल का, क्लियर है। और उस हिसाब से ये ओवरहॉलिंग जो कॉस्ट होगी उसका प्रेजेंट वैल्यू करने के बाद हमारे पास एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, क्योंकि सेकंड मशीन की जो ओवरहॉलिंग है वो 4, 8 और 12 साल में होगी, जबकि फर्स्ट मशीन की ओवरहॉलिंग कब होगी सिर्फ 8वें साल के बाद। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया, इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 4th ईयर, 8th ईयर और 12th ईयर में जो
ओवरहॉलिंग होनी है, वो ओवरहॉलिंग कैसे होगी मैं इसको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। देखिए फर्स्ट मशीन है वो चलेगी 12 साल, मतलब 4, 8 और 12 साल। तो मशीन जो हमारी 12 ईयर वाली जो प्रीमियम मशीन है उसमें तो ओवरहॉलिंग हो जाएगी यहाँ पर 8th ईयर में, ये तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकेंड मशीन की यानी कि स्टैंडर्ड मशीन की, तो स्टैंडर्ड मशीन की अगर मैं बात करूँगा यहाँ से यहाँ तक 12 साल होते हैं और यहाँ पर हो जाते हैं 6 साल, क्लियर है। और ओवरहॉलिंग कब कब होनी है, एक तो 4th ईयर में होनी है, क्लियर है। यानी कि ये मशीन ऐसी है जिसकी 4 साल के बाद ओवरहॉलिंग की जरूरत है, तो यहाँ तो हमने ओवरहॉलिंग कर दी, ये तो हमारे लिए ओके हो गया, क्लियर है, ये ओवरहॉलिंग हो गई, क्लियर। अब 8th ईयर में करनी है, अब हम 8th ईयर में करना चाह रहे हैं लेकिन यहां पर हमारी ये मशीन जो है वो रिप्लेस हो गई, क्लियर। और रिप्लेस होने के बाद 4 साल कब होंगे, 10 साल में, 10 ईयर, मतलब कि 8th ईयर पर यहां पर हम ओवरहॉलिंग क्यों कराएंगे, क्योंकि वो मशीन 6 साल चली हमने उसको हटा दिया, अब नई मशीन को हमने खरीदा जिसकी 4 साल बाद ओवरहॉलिंग होनी है, 4 साल बाद ओवरहॉलिंग होनी है, तो ये मशीन तो 6th ईयर से स्टार्ट हुई है तो 10वें साल होगी, और जब 10वें साल ओवरहॉलिंग होगी तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें करना चाहिए कि ये जो ओवरहॉलिंग है इसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, और वो ये कि इसकी ओवरहॉलिंग 4th ईयर और 10th ईयर होगी। क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, और डाउट ऐसा है कि देखिए यहाँ पे 10 ईयर का डिस्काउंट फैक्टर नहीं दिया हुआ, 10 ईयर के बाद जो पेमेंट करेंगे, तो एग्जामिनर ने जिस तरह से बनाया है उस हिसाब से वो 4, 4, 8, 4, 12 साल का ही बना दिया है 4th ईयर में ओवरहॉलिंग के लिए, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन अगर अगर ऐसा होगा तो ठीक है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, लेकिन अगर हम 4th और 10th ईयर में ओवरहॉलिंग करेंगे तो हमारे पास 10th ईयर का डिस्काउंट फैक्टर नहीं दिया हुआ। तो नाउ हाउ टू कैलकुलेट द डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 10th ईयर। अब 10th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर देखिए 8th का कितना है, 0.3506, और यह है 8th ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर। तो 9th ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर क्या होगा, 9th ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर होगा 3506 डिवाइडेड बाय 1.14, क्लियर है। और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूं तो मेरे पास यहां पर कैलकुलेटर अवेलेबल है, और मैं देखूंगा 9th ईयर के बाद जो डिस्काउंट आएगा वो आएगा 0.3506 डिवाइडेड बाई 1.14, यानी कि 0.3075। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी मैं बताऊंगा। और 10th ईयर का जो डिस्काउंट फैक्टर आएगा वो आएगा 0.3075 डिवाइडेड बाई 1.14, मतलब डिवाइडेड बाई 1.14, दैट इज 0.2697। और इसका अल्टरनेट मेथड क्या था, 8th ईयर था तो 0.3506 डिवाइडेड बाय 1.14 का स्क्वायर, ऐसे भी हम निकाल सकते थे, और जो आ जाएगा सेम, यानी कि 1.14 का स्क्वायर तो आ गया आपका 1.2996, और ऊपर है 0.3586, और उसको डिवाइड करेंगे 0.3586 डिवाइडेड बाय 1.2996 तो आ जाएगा 0.2759। तो डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, बट जो भी है इसको हम दो बार करके ये 0.2697 जिस तरह से आएगा दो बार हम डिस्काउंट करेंगे, क्लियर। 8वें साल, उसके बाद 1 साल और यानी 9वें साल, और फिर एक बार और 10वें साल, ठीक है, क्लियर है। तो ये अब आपके पास डिस्काउंटेड फैक्टर आ जाएगा। तो जब 0.2697 10वें साल का पीवी फैक्टर आ जाएगा अगर आपके पास 10वें साल का, देखिए 12वें साल का 0.2076 और भी कम हो गया है, 8th का 0.3506 है, उसके बीच में ये 0.2697 आया 10 का। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए, ऐसा इंटेंशन नहीं था एग्जामिनर का, ऐसा इंटेंशन जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा नहीं था, और वहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है, या तो वो 10th का देता अगर ऐसा इंटेंशन होता तो उसने जो सोल्यूशन किया है वो ऐसे ही किया है कि 4 लाख रुपए यानी कि 4th ईयर, 8th ईयर और 12th ईयर, बट ऐसा पॉसिबल इस केस में है नहीं, क्यों, क्योंकि 6 साल उसकी लाइफ है, तो जब ओवरऑलिंग कॉस्ट होगी तो नई मशीन आ जाएगी उसके 4 साल बाद होगी, तो वो 4th और 10th ईयर हो जाएगा,
तो इसका मतलब ये तो ठीक है फोर्थ ईयर, लेकिन उसके साथ ये जो 4 लाख है इसको हमें डिस्काउंट फैक्टर करना चाहिए, 4 लाख डिवाइडेड बाई 10th का जो फैक्टर था हमारे पास वो दिया हुआ है 0.2697, तो यानी कि इनटू ये इनटू 0.2697, तो ये दोनों मिला के रिप्लेस हो जाएंगे और इसकी एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,07,880, 1,07,880, मतलब ये, यानी इन दोनों की बजाय ये आएगा 1,40,240 और 83,040 के बदले क्या आएगा 1,07,880। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने दोनों तरफ से सॉल्यूशन कर दिया है, क्योंकि या तो क्वेश्चन में गलती है, और अगर क्वेश्चन में गलती नहीं, देखिए क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, उसका आंसर वैसा ही चेंज हो जाएगा, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा सोच के बनाया है कि 4, 8, 12 ईयर, तो उस केस में तो ये सही है जो मैंने पहले किया था, लेकिन लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो एग्जामिनर ने इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया और 10th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, तो हम वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है, नहीं दिया हुआ है तो सारे पीवी फैक्टर दिए हुए हैं, सिर्फ 10th ईयर का नहीं दिया हुआ है, तो जब 10th ईयर का पीवी फैक्टर अगर नहीं दिया हुआ है तो 10th ईयर का जो पीवी फैक्टर नहीं दिया वो हमने कैलकुलेट कर लिया और उसको नया हमने इस तरह से बना लिया, तो इस तरह से क्या होगा, ये जो फिगर आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हाँ, डिसीजन आपका इरिलीवेंट रहेगा, मतलब कि आपको इसमें ज़्यादा ही कॉस्ट लग रही है, क्योंकि अगर आप 2,20,000 कम कर देंगे और 1 लाख खर्चा करेंगे तो एक या 1.5 लाख का फर्क पड़ेगा, यानी 72 लाख, तो ये जो फिगर है इसमें ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि जो हमने माइनस किया था 140 और 83040 और 107880 प्लस होकर जो नई फिगर आएगी अप्रोक्स 72 लाख, तो भी ये कॉस्ट हमारी जो है ज़्यादा है मशीन स्टैंडर्ड में, और प्रीमियम जो मशीन है उसमें हमारी आउटफ्लो कम है। तो इसका जो डिसीजन है वो क्या है, इसका डिसीजन ये है कि हम क्या करेंगे, हम 12 साल की जो मशीन है जिसकी जो लाइफ है 12 साल है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम मशीन, उसको हम परचेज करेंगे, और इसलिए परचेज करेंगे क्योंकि उसका जो आउटफ्लो है उस मशीन से, चाहे वो उसका इनफ्लो आपका स्क्रैप वैल्यू को लेस करके, ओवरऑलिंग कॉस्ट लगा के, रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगा के, और उसके साथ साथ एनुअल रिपेयर एक्सपेंस लाने के बाद इस मशीन का जो कॉस्ट है वो है 64 लाख टोटल 12 इयर्स के अंदर विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस आउटफ्लो इन 12 इयर्स। और अगर बात करें हम स्टैंडर्ड मशीन की, तो वो भी 12 साल में, चाहे हमें दो मशीन यूज़ करनी पड़े, बट उसमें दो मशीनों में यूज़ करने से उसमें जो तीनों कॉस्ट है, कौन कौन सी, परचेज प्राइस प्लस ओवरऑलिंग प्लस एनुअल रिपेयर और फोर्थ जो इनफ्लो है लेस, जो हमें स्क्रैप वैल्यू से मिलेगा उसको अगर हम लेस कर देंगे, तो इस सेकेंड मशीन में 72 लाख रुपीज है, इसलिए वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड को हम छोड़ देंगे, हमारा डिसीजन होगा प्रीमियम मशीन को परचेज करने का। तो ये क्वेश्चन था कैपिटल बजटिंग वाला। आप इस क्वेश्चन को सामने रख के मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा, होप है अभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए CMA के इस क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही और सारे क्वेश्चन लेके भी मैं आपके सामने हाजिर हूँगा सॉल्यूशंस के साथ, कैसे हम उस सॉल्यूशंस को करें, क्लियर है। और आप सब मुझसे जुड़े रहिए, CMA इंटर और फाइनल की जो क्लासेज हैं वो एडवर्स ये क्लासेज में पिलर नंबर 698 उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पर ये सेंटर है, तो आप सब ज्वाइन कीजिए मुझे CMA की क्लासेज में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।